हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज एक सिंपल तोरण बनाना सिखाऊंगी। मैं दिखाऊँ, तो गाइस पहले हमको लगाना है 30 स्टिचेस। ये मैंने लॉक किया, 1 2 3। तो ये हो गए 30। फिर धागा से लेके ये फर्स्ट वाला छोड़ के सेकेंड में डालेंगे। फिर ये धागा इसको बाहर खींचेंगे ऐसा। फिर 1 लूप, फिर 2, फिर 2। फिर ऐसे लेंगे धागा, फिर उसके साइड में जो स्टिच है उसके अंदर डालेंगे। फिर 1 लूप 2 लूप 3। फिर ऐसा लेंगे, फिर उसके बाजू में जो है उसके अंदर डालेंगे। ये मैंने 5 पिलर्स डाले, देखो 1 2 3 4 5। फिर अभी एक स्टिच, इधर नीचे 2 छोड़ के थर्ड में डालेंगे। बॉक्स बना लेंगे एक बीच में। फिर 5 पिलर्स डालेंगे, एक हो गया और 4। ये देखो, इधर 5, इधर 5, बीच में बॉक्स। फिर 3 स्टिच, 1 2 3। फिर नीचे 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में डालेंगे। फिर 1 2 3, एक बॉक्स बना लिया हमने। तो ये देखो 6 बॉक्सेस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और इधर 5 5 5, बीच में बॉक्स। तो फिर इसको अब हम ऐसे घुमाएंगे। फिर एक स्टिच, फिर ऐसे लेके ये जो फर्स्ट है उसके अंदर इस तरह डाल के फिर ये धागा बाहर खींचेंगे ऐसे। फिर 1 लूप, 2 लूप, फिर 2। फिर आपको ऊपर भी सेम बॉक्सेस बनाना है। तो ये देखो बॉक्स बना लिया मैंने, सेम इसके ऊपर ही डालना है, उसके ऐसे बीच में वगैरह नहीं डालना है। तो सेम इसके ऊपर ही बनाना है बॉक्सेस। और फिर अभी इधर भी सेम ही जैसे हमने पहले डाला है उसके ऊपर फिर से ऐसे ही डालेंगे। पहले 5, फिर 1 स्टिच, इधर बॉक्स, फिर ऐसे। ये हमारा सेकेंड लाइन है। तो ये हो गया सेम, और एक ऐसा ही बनाना है थर्ड लाइन। तो चलिए बनाते हैं। तो गाइज मैंने बना लिया है। ये फोर्थ लाइन में भी मैंने बॉक्सेस बना लिए ऊपर,
ऊपर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, उसको सेम ही बॉक्सेस ही बनाते जाना है ऐसे। तो मैं इधर तो अभी इधर सेम डालेंगे, अभी 5 है, 5 के अंदर डालेंगे, अभी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। ये मैंने 5 डाल दिया और अभी इधर एक एक्स्ट्रा जो इसके बीच में डालना है, ये जो बॉक्स है इसके बीच में डालना है, बिना ऐसे स्टिच लिए हुए ऐसे ही धागा लेके इसके बीच में ऐसे एक एक्स्ट्रा डाल देना है। फिर इधर 2 स्टिच, इधर आपको सिंगल सिंगल स्टिच और ये तीनों सेम लाइंस बनाने हैं 5-5 डाल के, और इधर जो है वो 6 डालना है एक एक्स्ट्रा, ये बॉक्स के अंदर डालना है। फिर हम इधर से फिर स्टार्ट करेंगे, ये जो है इधर से इसके ऊपर। ये 4 हो गए और एक लास्ट में 5, और इधर और एक एक्स्ट्रा पिलर डालना है ऐसे लेके इसके अंदर एक एक्स्ट्रा। तो इधर हमारे पिलर्स हो गए, इस इधर तीनों में 5-5 है और इधर 6, इधर 6। फिर इसको ऐसे घुमाना है, ये नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है, फिर ऐसे घुमाना है। फिर ये जो हम लोग नीचे से ऐसे ऊपर आते हैं ना, उसमें आपको एक्स्ट्रा स्टिचेस नहीं लगाने हैं, सिर्फ आप नीचे के जाते तरफ ही एक्स्ट्रा, इधर एक एक्स्ट्रा, इधर एक एक्स्ट्रा पिलर लगाने हैं। अभी इधर अभी जो हमने डाला था उसके ऊपर से ही सेम डालेंगे, जो 6-6 पिलर्स डाले हैं। फिर मैंने एक स्टिच डाल दिया, इधर एक्स्ट्रा पिलर्स नहीं लगाने हैं, जो हमने भी 6-6 लगाया था उसके ऊपर से ही सेम 6-6 लगाना है। ये 5th लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इधर फिर उल्टा बॉक्स भी डाल देंगे। तो गाइस ये हमारी 5th लाइन हो गई, अब ये 6th लाइन मैंने ऊपर बॉक्सेस बना लिए, और इधर जो 6 हैं हम पूरा 6 बनाएंगे। इधर मैंने 3 ऑलरेडी बना दिया है, 4 ये 6 वाला हो गया, और अभी और एक एक्स्ट्रा डालेंगे इधर पिलर इसके बीच में, इसके बीच में ऐसे लेके। तो ये हो गए 7, फिर 2 स्टिच, फिर इधर से स्टार्ट करेंगे। फिर इधर लास्ट एक और एक एक्स्ट्रा, तो इधर भी 7 हो गया। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको ये वाला 6 लाइन है, फर्स्ट आपको 5 लगा के बनाने, ये जो 6 वो ये पैटर्न के लिए होता है, ये काउंट नहीं करना है। तो इधर से हम ऐसे ही सेम इधर एक ऐसे ऊपर से नीचे आते हुए एक एक्स्ट्रा डालना है, और नीचे से ऊपर जाते हुए हमको एक्स्ट्रा नहीं डालना है, जैसा हमने एक्स्ट्रा डाला था उसके ऊपर से सेम बनाते हुए ऊपर की तरफ जाना है। फिर नीचे आते तरफ बीच में एक एक्स्ट्रा, और लास्ट में एक एक्स्ट्रा डालना है पिलर। तो हम ऐसे ही ये वाला छोड़ के 12 लाइन्स करेंगे। ये मैंने कर दिया 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला फर्स्ट जो है वो छोड़ना है, वो काउंट नहीं करना है। इधर से हम काउंट करेंगे, ये देखो ये दोनों 5-5 पिलर के, ये दोनों 6-6 पिलर के, ये वाला 7 का, और मैं अभी और एक बनाऊंगी 7, फिर 8, फिर 8, फिर 9, फिर 9, फिर 10, ऐसे ही हमको 12 लाइंस बनाने हैं। ये 5 हो गए, तो मैं और 7 लाइंस बनाती हूँ।
तो गाइस ये मैंने बना लिया। ये पहला जो है वो छोड़ के, वो छोड़ना है, वो काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। तो गाइस ये मेरी 15 लाइन है, मैंने इधर ये भी बना लिया बॉक्सेस और इधर तक बना लिया है, अभी इधर भी बनाएंगे। तो इधर तक मैंने जैसा है वैसा बना लिया और अभी इधर एक एक्स्ट्रा पिलर डालेंगे इसके अंदर, इसके बीच में से। फिर इसको ऐसे घुमाना है, फिर जो है वैसे सेम ऊपर तक बनाना है। ये हमारे 16 लाइन है। चलिए पूरा बनाते हैं पहले। तो गाइस ये हमारे 16 लाइन कंप्लीट हो गई। मैं फिर से बता रही हूँ, देखो ये फर्स्ट जो लाइन है ये सिर्फ हमको डिज़ाइन बनाने के लिए है स्टार्टिंग में, बाद में इसको काउंट नहीं करते हैं, ये वाला छोड़ना है। फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक इधर डालना है, इधर ऊपर से नीचे तक। और फिर 13 से लेकर 16 तक 4 एक्स्ट्रा इधर डालना है, ये सिर्फ सिंगल में। और ये देखो ऐसे नीचे की तरफ आते हुए एक एक्स्ट्रा लगाना है और ऊपर की तरफ जाते हुए एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, सिर्फ नीचे के नीचे तरफ नीचे आते हुए ही लगाना है। इधर एक एक्स्ट्रा लगाया मैंने, फिर एक छोड़ के फिर एक एक्स्ट्रा, फिर एक छोड़ के फिर एक एक्स्ट्रा, ऐसे ही लगाना है। अभी ये हमारा एक कंप्लीट हो गया, तो इसको हम और एक बनाएंगे इधर, सेम इधर बनाएंगे। चलिए बताते हैं, पहले हम बॉक्स बना लेंगे। तो गाइस मैंने बॉक्स बना लिया, अभी एक एक्स्ट्रा हमने ऑलरेडी डाला हुआ इधर एक। फिर इसके बाजू जो है वो छोड़ के ऐसे ही धागा लेना है, स्टिच नहीं लगाना है। फिर एक बीच वाला छोड़ के इधर डालना है, 4 प्लस डालना है, एक उसी में 4 प्लस, 2 3 4। ये देखो एक को छोड़ना इधर, फिर इसमें 4 पिलर, तो ये टोटल हो गए 5। फिर 2 स्टिच, फिर इधर 3 पिलर छोड़ने हैं, फिर इसके अंदर 5 पिलर डालने हैं। फिर हम इसको ऐसे घुमा के एक स्टिच फर्स्ट जो है उसमें एक डालेंगे पिलर, ऊपर ही डालना है, उसके अंदर वगैरह नहीं डालना है, ऊपर जो है इधर ऐसे ऊपर ही डालना है। 2 हो गए, 3 4 और 5। फिर 2 स्टिच, फिर इसके ऊपर से 1 2 3 4। फिर आपको ये सेम प्रोसेस इधर यूज़ करना है, जैसे इधर मैंने 5 डाला है, फिर अभी के लाइन में 6 डालूंगी और इधर भी 6, फिर वापस से 6, फिर 7, ऐसे ही डालना है। ऐसे ही प्रोसेस करते जाना है। ये देखो 1 हो गया,
एक भी ये फर्स्ट जो है वो छोड़ना है इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक इधर नीचे तक डालना है, फिर 1 2 3 4 तो ये टोटल 16। इधर एक एक्स्ट्रा ये इसके ऐसे नहीं बनाना है, ये डायरेक्ट 12 से ही बनाना है, जो हमने सेकेंड से बनाया था वैसे इधर सेकेंड से ही बनाना है। 8 12 और 8 4 तो टोटल 16। तो ऐसे ही प्रोसेस यूज़ करते जाना है, आपका डोर जितना लंबा है उतना ये बनाना है। तो चलिए अब ये पूरा करते हैं। तो गाइस ये मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, इसमें मैंने बॉर्डर लगाया है। और ऊपर ऐसे ही बॉर्डर बना के मैंने एक एक इसमें छेद छेद डाला है, एक एक छोड़ के, और फिर ये बनाया है और फिर बॉल्स। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, ये बहुत इजी है। तो मैं ये बना के दिखाती हूँ। ऐसे 15-15 फ्लोर्स लगाएंगे, 1 2 3। तो मैंने ये 15 रोज लगा कर दिए। अभी ये थोड़ा लंबा धागा कट करेंगे। ऐसे फिर ये इसमें ये धागा ये ऐसे वाले नीडल में डालेंगे जो हम क्लॉथ स्टिच करते हैं। और अभी ऐसे ऐसे रखना है। फिर ये बाहर निकालना है। तो गैस ये मैंने बना लिया, ये देखो। और अभी ये सेकेंड लाइन है। अभी हम इधर से उधर इसके अंदर डालेंगे। और मैं पर्ल्स ली हूँ, पर्ल्स
ऐसे ही राउंड डालना है पूरा। ये हमारी कंप्लीट हो गई, दही ज्वाइन करेंगे। तो गाइस हो गई हमारी कंप्लीट। इसमें मैंने 10 पर्ल्स डाले हैं और इसमें 7। तो गाइस कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।